नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे रिया गार्डनिंग चैनल में। विंटर के खूबसूरत फूलों के साथ देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आ गए। अब तो पेटूनिया देखिए कितना प्यारा कलर है, ये डॉग फ्लावर्स है। मैं आज इस खूबसूरत प्लांट की बात कर रही हूँ जिसका नाम है अगेव, जो अपनी लंबी लंबी पत्तियों के कारण बहुत सुंदर लगता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। इस प्लांट की केयर कुछ भी नहीं है, आप इसको कैसी भी मिट्टी में लगाइए और बहुत सुंदर लगता है गार्डन में रखा हुआ। बहुत ही प्यारा प्लांट है, केयर भी कुछ नहीं है और ये देखिए रोज इसकी एक नई लीफ निकलती है। ये एक परमानेंट प्लांट है और नीचे इसके बेबी हैं, देखिए ये इसके बेबी है। तो एक से ही कितने सारे प्लांट बन जाते हैं, ये देखिए ये इसका बेबी है। इस तरह लगाया जाता है ये, यानी कि आप एक प्लांट लीजिए और उससे कितने सारे प्लांट बन जाएंगे। बहुत सुंदर प्लांट है ये, केयर कुछ नहीं है और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें कांटे हैं देखिए, तो जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं या पेट वगैरह रखते हैं ना, तो वहां इसको ना रखे, बच्चों को चुभ सकते हैं, कांटे होते हैं और ये बड़े नुकीले होते हैं, लग जाते हैं। ये देखिए इसकी पत्तियों में भी कांटे हैं। वैसे ये गार्डन में रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और आपको गार्डनिंग का शौक है, यानी कि थोड़े बहुत प्लांट वगैरह लगाने का शौक है, तो आप इसको शामिल कर लीजिए क्योंकि इसकी केयर तो हमारे पास। जैसे सेरेमिक के पोट होते हैं तो हम उसमें भी सोचते हैं कि कौन से प्लांट लगाएं, तो उसमें अगेव बड़े आसानी से चल जाता है। ये देखिए मैंने इसमें अगेव लगा रखा है ये, और बड़ा अच्छा लगता है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगेव और जेड दोनों चल जाते हैं इस तरह के पोट में, जो ये सेरेमिक के पोट होते हैं इसमें। तो आप भी दोस्तों इसको जरूर लगाइए, बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी खूबसूरती ही अलग है। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो ये लगता है, देखिए अपनी लंबी लंबी पत्तियों के कारण, देखिए कितनी लंबी लंबी लीफ है। ये हमें अपने आसपास जो गार्डन होते हैं वहां पर लगे हुए दिखाई देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, इसकी लीफ देखिए कितनी सुंदर है, ये देखिए इसमें भी कांटे होते हैं, ये देखिए, पर ये इतने नहीं चुभते जितने अगेव के लगते हैं। ये प्लांट बहुत बहुत सुंदर लगता है अगर आपके पास हो तो। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मैंने इसका जो सोयल मिक्सचर बनाया था वो भी बिल्कुल सिंपल बनाया था, कोई ज्यादा उसमें खाद या ऐसा कुछ नहीं दिया था, सिंपल मिट्टी में ही मैंने इसको लगा दिया था। इसको खाद खूद देने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि हर बार खाद दे, जब इसकी मिट्टी बनाए तब भी इसमें खाद दे, उसके बाद भी। ये मेरे पास 3-4 साल से है और इसी पोट में है, लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके बेबी नहीं होते। 3-4 साल हो गए हैं इसको मेरे पास, इसकी ग्रोथ तो अच्छी हो रही है लेकिन इसके बेबी इतनी जल्दी नहीं होते जैसे और प्लांट के होते हैं, अगेव के होते हैं। इसका अब जाकर एक क्यूट सा बेबी ये निकला है, ये देखिए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे एक प्लांट से अब दूसरा भी बन जाएगा। तो मैं इसको बरसातों में इससे अलग करूंगी, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन 3-4 साल का वक्त लगा है इसको आने में। ये प्लांट है बहुत अच्छा, और इसके बेबी तो आते रहते हैं, जो इसके नीचे से बेबी निकलते हैं वो आते रहते हैं, लेकिन इसको टाइम लगता है। देखिए कितना खूबसूरत है। तो आप इस तरह के प्लांट भी लगा सकते हैं जिनकी केयर कुछ भी नहीं है, पानी वगैरह खाद वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही रखे हुए गार्डन में अच्छे लगते हैं। मैंने इनको फुल सनलाइट में रखा हुआ है, जहां पे धूप अच्छी आती है और वहां पे ये रखा हुआ बहुत बहुत सुंदर लगता है।
तो दोस्तों आप भी ऐसे प्लांट अपने गार्डन में शामिल कीजिए जिनकी केयर कुछ नहीं होती और जो आराम से चल जाते हैं, जिनको आपको ज्यादा टाइम देना ना पड़े, ऐसे प्लांट वाकई में लगाने चाहिए। और अगर आज की वीडियो जरा सी अच्छी लगी तो देखना जरूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।